हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे बच्चों स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स वीक ट्वेंटी फाइव क्लास फोर्थ की वर्कशीट सब टॉपिक है बच्चों हैवी एंड लाइट तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए रेड बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इन द फॉलोइंग विच पैन विल गो डाउन अब देखिए बच्चों आप सभी को पता है कि हमारे जो तराजू होते हैं उसमें दो पैन होते हैं जिसका वेट ज़्यादा होता है वो पैन नीचे जाता है और जिसका कम होता है वो ऊपर रह जाता है तो आपको बताना है कि कौन सा नीचे जाएगा देखिए बच्चों यहाँ वेट है सेवेंटी फाइव एंड फोर्टी ग्राम्स टोटल है वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन ग्राम्स यहाँ थर्टी फाइव एंड फिफ्टी फाइव तो यहाँ है नाइनटीन ग्राम्स तो बच्चों हैवी होगा वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन ग्राम्स तो ये हमारा ऊपर जाए सॉरी नीचे जाएगा नेक्स्ट वन फोर्टी एंड फोटी फाइव ग्राम्स ये हो जाएगा वन एटी फाइव ग्राम्स और नेक्स्ट है सिक्सटी फाइव एंड सिक्सटी फाइव ग्राम्स ये हो जाएगा वन थर्टी ग्राम्स तो इसमें हैवी वन एटी फाइव ग्राम है ये हमारा नीचे जाएगा नेक्स्ट है बच्चों वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन एंड नाइन्टी ग्राम्स ठीक है तो बच्चों ये हो जाएगा टोटल टू हंड्रेड एंड फाइव ग्राम्स और ये है टू हंड्रेड ग्राम्स तो टू हंड्रेड फाइव ग्राम्स नीचे जाएगा ट्वेंटी फाइव सेवेंटी फाइव एंड वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव तो ये टोटल है टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव ग्राम्स यह है एटी फाइव एंड सेवेंटी फाइव ग्राम्स तो यह है वन सिक्सटी ग्राम्स तो टू ट्वेंटी फाइव ग्राम्स वाला नीचे जाएगा नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन टू फिल इन ब्लैंक्स विद ग्राम्स और किलोग्राम्स द वेट ऑफ माई फ्रेंड इज ट्वेंटी फाइव बच्चों ज़्यादा वेट के लिए हम किलोग्राम और कम वेट के लिए हम ग्राम्स का यूज़ करते हैं तो बच्चों फ्रेंड्स का वेट किलोग्राम में हम आ, करेंगे The weight of a sack of wheat in uh, wheat is fifty kg. The weight of a packet of potato chips is hundred gram. Potato chips ka the packet has, the weight hundred grams. The weight of a tube of Favicol is hundred uh, gram. The weight of a sack of rice is thirty kg. नेक्स्ट स्टूडेंट अमंग द फॉलोइंग पेयर्स विच वन इज़ हैवियर लाइटर और इक्वल इन वेट मार्क लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू फर्स्ट बच्चों वन किलोग्राम कॉटन एंड वन किलोग्राम वाटर मेलन तो बच्चे दोनों का वेट इक्वल होगा वन किलोग्राम टमाटो एंड वन हंड्रेड ग्राम पटेटो तो बच्चों वेट वन किलोग्राम टमाटो का ज़्यादा होगा फाइव किलोग्राम राइस एंड ट्वेल्व हंड्रेड ग्राम्स व्हीट फ्लोर वेट फाइव किलोग्राम राइस का ज़्यादा होगा टू किलोग्राम न्यूज़पेपर एंड टू थाउजेंड ग्राम टी तो देखिए बच्चों आप सभी को पता है वन किलोग्राम में हमारा वन थाउजेंड ग्राम्स होता है तो टू किलोग्राम में टू थाउजेंड ग्राम्स हुआ और टू थाउजेंड ग्राम्स स्टील तो दोनों ही बराबर होंगे थ्री किलोग्राम आयरन रोड एंड थ्री किलोग्राम पेपर तो इनका वेट भी इक्वल होगा नेक्स्ट बच्चों गिवन बिलो इज़ द चार्ट फॉर पोस्टल रेट्स बच्चों देखिए आप सभी को यहाँ पे पोस्टल रेट्स दी गई हैं सिंगल पोस्ट कार्ड का जो रेट है वो है जीरो पॉइंट फाइव जीरो पैसा प्रिंटेड पोस्ट कार्ड का है सिक्स रुपीज़ इन लैंड लेटर का है टू पॉइंट फाइव ज़ीरो रुपीज़ वेट ऑफ लेटर बच्चों ट्वेंटी ग्राम्स और लेस का होगा फाइव रुपीज़ फॉर एवरी एडिशनल ट्वेंटी ग्राम्स टू रुपीज़ वेट ऑफ पार्सल फिफ्टी ग्राम्स और फिफ्टी ग्राम से कम फाइव रुपीज़ और एवरी एडिशनल फिफ्टी ग्राम्स के थ्री रुपीज़ तो देखिए बच्चों हाउ मच यू हैव टू पे फॉर स्टाम्पस ऑन अ लेटर वेइंग फिफ्टी ग्राम फिफ्टी ग्राम का बच्चों जो लेटर है उस पर आपको कितना पे करना पड़ेगा तो देखिए फिफ्टी ग्राम का ट्वेंटी ग्राम्स प्लस ट्वेंटी ग्राम्स प्लस टेन ग्राम्स देखिए बच्चों ट्वेंटी ग्राम्स और लेस के लिए फाइव और एडिशनल ट्वेंटी ग्राम्स के लिए टू रुपीज़ तो टू प्लस टू टोटल नाइन रुपीज़ हमें पे करना होगा नेक्स्ट अ बुक टू हंड्रेड ग्राम्स नीड टू बी पार्सल फाइंड द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग द पार्सल अब बच्चों वेट ऑफ पार्सल यहाँ दिया गया है टू हंड्रेड ग्राम्स तो यहाँ पे देखिए टू हंड्रेड ग्राम्स को हम लिखेंगे फिफ्टी ग्राम्स प्लस फिफ्टी ग्राम्स प्लस फिफ्टी ग्राम्स प्लस फिफ्टी ग्राम्स तो फर्स्ट फिफ्टी ग्राम के लिए फाइव रुपीज़ एडिशनल के लिए थ्री थ्री एंड थ्री टोटल रुपीज़ हमें कितना पे करना है फोर्टीन रुपीज़ हमें पे करना होगा ओके जो नेक्स्ट है लाइफ स्किल होम बजट प्लानिंग होम बजट इज़ अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स एनी फैमिली नीड्स टू टेक टू एंश्योर देअर फाइनेंशियल हेल्थ इफ़ यू डोंट हैव टू कंक्रीट प्लान टू ट्रैक योर मंथली कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लो स्पेंडिंग कैन गेट आउट ऑफ हैंड प्लानिंग ऑफ बजट कैन बी सिंप्लीफाइड इन टू फोर ईजी स्टेप्स तो देखिए बच्चों किस तरह से हम हमारे बजट को सिम्पल से वे में प्लान कर सकते हैं एड अप योर मंथली इनकम सब्ट्रैक्ट मंथली एक्सपेंसिस चेकिंग एक्स्ट्रा एंड अननेसेसरी एक्सपेंसेस एंड सेविंग्स नेक्स्ट बच्चों फिल द टेबल रिलेटेड टू योर होम बजट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो अब देखिए बच्चों आप सभी को यहाँ बोला गया है कि आपकी मंथली इनकम मान लेते हैं ट्वेंटी थाउजेंड है एक्सपेंसिस देखिए बच्चों मंथली डेप्ट पेमेंट टू थाउजेंड फूड एंड ड्रिंक एटीन हंड्रेड हाउस होल्ड गुड फाइव थाउजेंड यूटिलिटी फिफ्टीन हंड्रेड क्लोथ्स फाइव हंड्रेड रेंट टू थाउजेंड अदर्स वन थाउजेंड ओके अब हमसे क्वेश्चन पूछा है वॉट इज योर टोटल एक्सपेंडिचर बट और टोटल एक्सपेंडिचर कितना है हमारा थर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड इस इन सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो वॉट इज य टोटल सेविंग एट द एंड ऑफ द मंथ तो बच्चों देखिए तो टोटल इनकम में से तो टोटल एक्सपेंसेस हम लेस करेंगे तो हमारी तो टोटल सेविंग्स आ जाएगी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड नेक्स्ट है बच्चों एक्सपेंडिचर इन विच ऑफ़ द एक्टिविटीज़ कैन बी मिनिमाइज बच्चों किन किन एक्टिविटीज़ में हम हमारे एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर्स को कम कर सकते हैं क्लोथ्स एंड अदर वॉट आर योर सेविंग गोल्स आर यू एबल टू अचीव देन आस्क योअर पेरेंट्स अबाउट इट तो बच्चों आप सभी के सेविंग गोल्स क्या हैं आप सभी अपने पेरेंट्स से पूछें तो यहाँ लिखेंगे माई पेरेंट्स सेविंग टारगेट इज रुपीज फाइव थाउजेंड क्या वो उन्हें अचीव कर पा रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे दे आर एबल टू अचीव दैट नेक्स्ट वॉट इज़ योर एनुअल इनकम एंड सेविंग एट द एंड ऑफ द ईयर तो बच्चों ईयर के एंड में आपकी सेविंग और आपका एनुअल इनकम क्या है तो देखिए बच्चों एनुअल इनकम कैसे आएगी पर मंथ इनकम है हमारी ट्वेंटी थाउजेंड हर साल में हमारे ट्वेल्व मंथ होते हैं इन टू ट्वेल्व तो हमारी इनकम है टू लैक एंड फोर्टी थाउजेंड्स एनुअल सेविंग्स कितनी होगी तो देखिए बच्चों एनुअल पर मंथ हमारा बच रहा है सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेल्व मंथ्स की कितनी होगी सेवेंटी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड ओके तो इस तरह से आप सभी को ये सॉल्व करना है नेक्स्ट बच्चों शाला ट्वेंटी फर्स्ट दिसंबर विंटर सोशल टाइज द विंटर शोस टाइज मार्क्स द डेट वेन द अर्थ एक्सिस रोटेट टू द पॉइंट

महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने यह कहा था फूड एंड ड्रिंक कंज्यूम स्प्राउटेड पल्सेज और सीरियल्स एक्टिविटी लर्निंग टू स्प्राउट ग्रेन्स और पल्सेज विद द हेल्प ऑफ मदर और एल्डर्स स्प्राउट्स प्लेइंग पिट्टू विद द किड्स इन द फैमिली डेली रूटीन इंक्लूड द फॉलोइंग हैबिट इन योर डेली रूटीन बिगिन योर डे बाई ग्रीटिंग योर पेरेंट्स ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे टेक अ अब डेली ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट अ बैलेंस डाइट अवॉइड टचिंग योर फेस एंड वॉश योर हैंड्स रेगुलरली कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम तो बच्चों इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को सॉल्व करना है आई होप बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को ज़रूर लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर लिख कर बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा